जी नंदिनी नहीं आई। भैया अभी तक आई क्यों नहीं नंदिनी? नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो नीचे आ जाएगी। राजा नंदिनी की तबीयत सच में ठीक है ना? हाँ फातिमा भी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस वो थकान से थोड़ी कमजोरी आ गई है। जैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो नीचे आ जाएगी। उसने हमसे कहा है कि हमें पूजा शुरू कर लेनी चाहिए। गुरुजी आप पूजा शुरू कीजिए। ठीक है बलराज, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मोक्षीय मार्गतात् स्वाहा। मृत्योर्मोक्षीय मार्गतात् स्वाहा। अब आहुति का समय आ गया है बलराज। यज्ञ में परिवार के हरेक व्यक्ति को आहुति देना आवश्यक होता है, तभी यज्ञ संपूर्ण होता है, तभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बलराज तुम अपनी छोटी बहन को भी बुला लो, वो बीमार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यज्ञ के लिए आहुति देने तो आना ही होगा। आहुति देने के पश्चात वो पुनः विश्राम कर सकती हैं। जी अच्छा गुरुजी, हम अभी आते हैं। नंदनी उठ ना, आहुति देने के लिए बुलाया हमें। भैया हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी तबीयत ठीक होगी तो हम बाद में आ जाएंगे। नहीं नंदनी, पंडित जी ने कहा है कि आहुति के समय पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है, तो आहुति देकर वापस आकर आराम कर लेना बाद में। चल चल हमारे साथ। भैया प्लीज भैया। नहीं नंदनी, अब हम कोई बात नहीं सुनेंगे, और हम है ना तेरे साथ, चल हमारे साथ। आजा उठ, अभी आ जाएंगे। हमारे साथ आ जाओ। आओ बेटी, यज्ञ में अपने नाम की आहुति दो ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। तुम आहुति क्यों नहीं दे रही हो? तुम आ क्यों नहीं रही हो बेटी? क्या है ना गुरुजी, नंदिनी अपशगुन से डर रही है। ये पूजा वैसे भी गुंजन के बच्चे के कल्याण के लिए हो रही है, और हमारी नंदिनी कभी माँ नहीं बन सकती। क्या अर्थात ये लड़की बांझ है? अनर्थ, घोर अनर्थ। इस बांझ के यहां आने से यज्ञ में व्यवधान पड़ा है, पूरा यज्ञ ही व्यर्थ हो गया है।
जिसकी छाया से ये यज्ञ अपवित्र हो चुका है। ये सत्य जानते हुए भी कि तुम एक बांझ हो, यज्ञ में व्यवधान डालने कैसे चली आई? क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं था कि किसी भी शुभ कार्य में बांझ की उपस्थिति वहां पे अपशकुन होती है? रुक जाओ नंदिनी, के बिना ना कोई पूजा हुई है और ना होगी। क्या कह रहे हो बलराज? इसका पूजा में रहना जरूरी है गुरुजी। जिस पूजा में नंदिनी नहीं हो सकती, वो पूजा इस घर में नहीं हो सकती। इसे कहते हैं घोर कलयुग। सचमुच कलयुग आ गया है, तभी तो तुम एक बांझ को यज्ञ में आहुति देने के लिए कह रहे हो। ऐसा करना घोर पाप होगा बलराज। पाप पुण्य हम नहीं जानते गुरुजी, हम तो बस इतना जानते हैं कि नंदिनी हमारे लिए शुभ है। इसके शुभ हाथों की छाप की वजह से हम सड़क से इस महल में आ गए। इसके शुभ हाथों की वजह से घर की नींव रखी गई। अब अगर भगवान भी ऊपर से आकर कहे हमसे कि नंदिनी अशुभ है, तो हम भगवान की बात भी नहीं मानेंगे। और अगर ये धर्म और आपके पूजा के लिए नंदिनी अशुभ है, क्षमा कीजिए गुरुजी, हमें इस पूजा की कोई जरूरत नहीं है। ये पूजा यही खत्म होती है। जैसा तुम ठीक समझो बलराज, परंतु तुम्हारी भावनाओं के लिए पुरखों की युगों युगों से चली आ रही परंपरा को नहीं तोड़ा जा सकता। यज्ञ बीच में रुक सकता है, लेकिन एक बांझ की आहुति यज्ञ में कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। हमारे हाथ धर्म से बंधे हुए हैं बलराज। भाई राजा, वैसे अच्छा तो नहीं लगता है बीच में बोलना, लेकिन मुझे लगता है हमें गुरुजी की बात को समझना चाहिए। वो तो सिर्फ अपने धर्म का पालन ही कर रहे हैं। आप ही बताइए, बीच में पूजा कैसे अधूरी छोड़ी जा सकती है? आप यही चाहते हैं ना कि नंदिनी के हाथों इस यज्ञ में आहुति डले? तो ठीक है, नंदिनी ना सही, नंदिनी के बदले प्रिंस आहुति दे देगा। क्षमा कीजिएगा, परंतु यह भी असंभव है। एक बांझ का पति भी किसी यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। क्योंकि बांझ का पति निर्वंशी होता है और निर्वंशी व्यक्ति भी बांझ की तरह अशुभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि निर्वंशी व्यक्ति को तो मृत्यु के बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। बस
बहुत हो गया गुरुजी। बहुत सुन लिया आपको और आपके शास्त्रों को। आपके शास्त्र सब कुछ है और हमारा परिवार मान सम्मान गुरूर कुछ नहीं का। आपके धर्म को किसने हक दिया है कि हमारी बहन और बहनोई का अपमान करे? हमने केवल धर्म गुरु होने का कर्तव्य निभाया है बलराज। अपनी आंखों के सामने हम धर्म की हानि नहीं देख सकते और हम अपने बहन या बहनोई का अपमान नहीं देख सकते। ये पूजा नहीं होगी जहां मेरी बहन या उसके पति का अपमान हो, हम एक पल नहीं रुकेंगे। चलो नंदिनी, चलो प्रिंस। तो जाते जाते मेरी भी बात सुनते जाओ बलराज। धर्म गुरु होने के नाते तुम्हें सावधान करना चाहता हूं। अपनी बहन और बहनोई का अपमान नहीं सहन कर सकते तुम, लेकिन यज्ञ को बीच में रोक कर देवताओं का अपमान कर रहे हो तुम। और जिस जगह देवताओं का अपमान होता हो, यज्ञ की पवित्र अग्नि का अपमान होता हो, तो वहां कोई कार्य शुभ नहीं हो सकता। बाकी जैसा तुम ठीक समझो बलराज। हमें कोई परवाह नहीं गुरुजी। नहीं भैया, हमारी वजह से पूरे परिवार को संकट में मत डालिए। ये यज्ञ हो जाने दीजिए। जी भाई राजा, जी पूजा हो जाने दीजिए। नहीं प्रिंस, ये नहीं हो सकता। जिस पूजा में तुम और नंदिनी नहीं रहोगे, वो पूजा भी नहीं हो सकती। भाई राजा ठीक कह रहे हैं गुरुजी। नंदिनी से बढ़कर इस घर में कोई पूजा नहीं है। नहीं अंबर भैया, ये पूजा हो जाने दीजिए। ये पूजा आपके और गुंजन के होने वाले बच्चे के लिए रखी गई है। दामाद जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी इंसान को अपने परिवार की खुशी के लिए अपने भावनाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है। हम मानते हैं कि आप नंदिनी से बेहद प्यार करते हैं। हम ये भी जानते हैं आप नंदिनी को अपमानित होते हुए नहीं देख सकते, मगर बलराज ये पूजा भी तो तुम्हारे आने वाले भतीजे के भलाई के लिए है। अगर इस पूजा का विधान यही है तो ये पूजा इसी तरह होनी चाहिए। इसमें आप, हम या गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी इस विधान को बदल नहीं सकता। गुंजन भी तुम्हारी बहन है। आने वाले नए मेहमान के लिए ये पूजा हो जाने दो बलराज। हाँ राजा भैया, आपने ये यज्ञ अंबर भैया और गुंजन के होने वाले बच्चे के लिए रखवाया है ना, तो अगर हम यज्ञ में नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर हमारी वजह से कुछ अपशकुन हो गया तो हम आपको कभी माफ नहीं कर पाए। आपको हमारी कसम है भैया, ये यज्ञ हो जाने दीजिए प्लीज भैया। देखा गुरुजी, जिसे अपने परिवार के लिए अपने अपमान का कोई मायने नहीं, वो अशुभ कैसे हो सकती है? नहीं नंदिनी,
अपनी कसम देकर तू हमारे हाथों को बांध रही है। ऐसा मत कर नंदनी, ऐसा मत कर। पांच नंदिनी की वजह से मेरे भाई को भी सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। पांच तो वो है, अशुभ मेरा भाई बन गया सबकी नजरों में। नंदिनी से शादी कर ली और मैं भी तो छत से उसे बहू के रूप में अपना लिया। हो गई ना आज बेइज्जती सबके साथ। अरे समाज में एक पांच के पति होने के कारण निर्वंशी होने के दाग के साथ पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा मेरे भाई को। कितनी बेइज्जती हुई है हमारे प्रिंस की। अगर अगर हमारा शहर होता ना, अब तक तो उसकी दूसरी शादी हो गई होती। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें ये बात शादी से पहले पता थी, लेकिन नहीं, तब तो तुम्हें भाई राजा की सिर्फ दौलत दिखाई दे रही थी ना। अब जब प्रिंस को कोई तकलीफ नहीं है और हम सबने उसे अपना लिया है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? नंदिनी एक बहुत अच्छी बहू है, समझे? अब ये सब बकवास की बातें सोचना बंद करो और पूजा में ध्यान दो। तुम्हें क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि निर्वंशी का दाग तो मेरे भाई के सर पर लगा है ना, लेकिन मैंने भी इस दाग अपने भाई के सर से मिटाया नहीं ना, तो मेरा नाम कादंबरी नहीं।